हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज की जॉब की अपडेट, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है 2022 की तरफ से। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के जरूर से देखना। जब भी आपके सभी क्वेश्चंस एंड डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। अप्रेंटिसशिप की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, 10+2 वाले यहाँ एलिजिबल रहने वाले। डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को विदाउट स्किप के जरूर से देखना। जब भी आपके सभी क्वेश्चंस एंड डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। और जो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज डेट हुई है वो 29 मार्च 2022 को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और जो इसकी ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2022 से इसकी अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 10 मई 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं रिक्रूटमेंट को। चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट डिटेल वाइज। तो यहाँ जो आपका पोस्ट नेम रहने वाला है वो एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका ये पोस्ट नेम रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2972 पोस्ट पे ये वैकेंसी अवेलेबल है, जिसकी मैंने आपको डेट मेंशन किया था स्टार्ट में ही। और ये रेलवे की जॉब से एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, मतलब जो भी आपके 10 या ITI के मार्क है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऑफिशियल साइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली अप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम पेज को भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिवीजन वाइज यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, जैसा कि आप हरवा डिवीजन में यहाँ वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल MV, मैकेनिकल डीजल, ब्लैक स्मिथ, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। टोटल यहाँ डिवीजन वाइज आप नोटिफिकेशन से कंप्लीट नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं क्या डिवीजन वाइज यहाँ कौन कौन से ट्रेड वाइज यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। और जो यहाँ डिस्कस करने वाले हम यहाँ एज लिमिट की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ 10+2 वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए यहाँ आपको, और SC ST NCVT में आपका ये रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। जो भी आपका ITI का सर्टिफिकेट है, 10+2 का मतलब ये है कि जो भी आपका 10 के बाद अगर आपने ITI का कोई भी 2 ईयर का कोर्स करा था उसके बेसिस पे ही आपको अप्लाई करना है। टर्नर या वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, उसके बेसिस पे ही आपको एलिजिबल रहने वाले हैं आप ये रिक्रूटमेंट के लिए। और जो यहाँ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम या 24 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होने वाला है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए आपको 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस पे करना है। SC ST PWD वुमेन कैटेगरी के लिए आपको कोई भी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो भी आपके ITI और 10 में मार्क है उसके बेसिस पे, और जो भी आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाली है वो अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाली है। एंड फिर भी अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई करने की। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेशर फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ये नोटिफिकेशन भी किसी और के काम आ सके। इस चैनल पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो।